दबदबा कायम रहेगा। ये वही शब्द हैं जिसे बोलने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह खुद पछता रहे हैं। और ये बात भी उन्होंने उस वक्त कबूल की जब खेल मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए अगले आदेश तक WFI को निलंबित कर दिया और ब्रजभूषण का दबदबा चूर चूर हो गया। संजय सिंह से आपकी बात हुई सर? संजय सिंह अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। संजय सिंह को हमने कह दिया अपना काम कर रहे हैं, अपना काम तो चैलेंज कब करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में, ये बात संजय सिंह से। ठीक है, आज अमित शाह जी से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है सर? अभी कोई कार्यक्रम। सर साक्षी मलिक का कहना है कि लड़ाई उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं है आपसे। ठीक है सर, ओके सर, ओके ओके। जो कल मैं पूर्णतया संन्यास ले चुका खेल की राजनीति से, मतलब कुश्ती की राजनीति से, और क्या करना है या नहीं करना है ये फेडरेशन का काम है, चुनी हुई फेडरेशन का काम है और सरकार के बीच में, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पूर्णतया संन्यास ले चुका हूं, मुझे और काम। सर खिलाड़ियों के आरोप पर आपने संन्यास लिया है या आपका अपनी अंतरात्मा से आपने ये ऐसा कोई समाचार नहीं है मेरे पास, अगर मुलाकात होगी भी तो कुश्ती के बारे में नहीं होगी। ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए, उन पर FIR भी हुई। कई दिनों तक पहलवान धरने पर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में दखल दिया, लेकिन इन सब के बावजूद बगैर किसी परेशानी के पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहे, संसद भी आते रहे। विवाद के दौरान उन्होंने कहा भी था कि वो अगले साल चुनाव भी लड़ेंगे। ये बताता है कि ब्रजभूषण को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। अवध में कुछ सीटों पर उनका काफी प्रभाव है। ब्रजभूषण का बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या और श्रावस्ती में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, शिक्षा, कानून समेत 50 से अधिक शैक्षिक संस्थानों से सक्रिय रूप से जुड़ाव है। ऐसे में अगर उनका टिकट भाजपा काटने के बारे में सोच रही है तो यह उसके लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। गोंडा से अयोध्या तक उससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इस क्षेत्र में उनकी काफी पकड़ है। टिकट काटने से भाजपा को नुकसान हो सकता है। 6 बार से सांसद की यूपी में ठाकुर बिरादरी में अच्छी पैठ है, वो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। 57 साल के ब्रजभूषण शरण सिंह का अवध क्षेत्र में वर्चस्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो गोंडा, बलरामपुर और कैसरगंज से 6 बार सांसद चुने गए। वो राम मंदिर आंदोलन से राजनीति में आए। उनका बेटा प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर से विधायक है, उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी है। ब्रजभूषण के लिए इन इलाकों में 50,000 लोगों को जमा करना काफी मामूली बात है। ब्रजभूषण 2009 में पार्टी से बगावत भी कर चुके हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया था। सपा में रहते हुए वो पहली बार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी बने। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। रेसलर्स को लेकर विवाद के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार भी भाजपा सांसद के खिलाफ बयान नहीं दिया, जिसके बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब सरकार के कड़े रुख अख्तियार करने के बाद ब्रजभूषण एक बार फिर बगावत कर सकते हैं और सपा का दामन थाप सकते हैं।